हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आजाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का ये जो व्लॉग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग जो छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर, जिसे हम लोग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं, तो उसी के ऊपर है। भीमाशंकर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक आप पुणे से भी जा सकते हैं और एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मुंबई के पास में, तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से एक छोटा सा टाउन है नेरल, वहाँ से कशेले और कशेले से खांडस विलेज में आके आप यहाँ से ट्रेक करके जा सकते हैं। अप्रॉक्स 7 to 8 किलोमीटर का ट्रेक है। अगर टाइम देखा जाए तो 3 से 4 घंटे लगते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रेकर है तो 3 घंटे, और अगर नहीं है तो 4 घंटे लगेंगे। तो ये जो आज का व्लॉग है, ये ट्रेक हमारा भीमाशंकर का, और भीमाशंकर मंदिर में दर्शन, और भीमाशंकर का हम लोग इतिहास देखेंगे ऊपर जाकर। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को शुरुआत करते हैं। खांडस गांव तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खांडस गांव के पास कर्जत और नेरल रेलवे स्टेशन मुंबई के सेंट्रल रेलवे लाइन से कनेक्ट है। नेरल पहुंचने के बाद अगर आपको ऑटो से खांडस गांव तक आना है तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ऑटो के लगभग 500 रुपये चार्जेस होंगे। खांडस गांव पहुंचने के बाद पूर्व की दिशा में जो सबसे ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, उसी पहाड़ पर भीमाशंकर मंदिर स्थित है। खांडस गांव से हम आगे बढ़े भीमाशंकर की ओर। भीमाशंकर जाने के लिए जहां गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, वो जगह यानी पार्किंग खांडस गांव से लगभग 2 से 3 किलोमीटर पर स्थित है। खांडस गांव से आगे बढ़ने के बाद ब्रिज से राइट साइड टर्न करके आप पार्किंग तक पहुंच सकते हैं। पार्किंग तक का रास्ता काफी खराब है। भीमाशंकर जाने के लिए खांडस गांव से दो रास्ते हैं, जिन्हें शिडी घाट और गणेश घाट नाम से जाना जाता है। यहां पर पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। शिडी घाट में ट्रेकर्स की एक्सीडेंट से मौत होने के कारण सीढ़ी घाट सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में वो फिर से शुरू हो जाएगा। पार्किंग से जो अभी सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए हमें भीमाशंकर पहुंचना था। ट्रेकर्स रास्ता ना भटके, इसलिए कुछ ग्रुप की तरफ से जंगल में दिशा दर्शक बोर्ड लगाए गए हैं, और ये काफी अच्छी सुविधा की गई है। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आप ये ट्रेक भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर करने वाले हैं, तो आपको ट्रेक के दरमियान बहुत सारे वन्य जीव देखने मिलेंगे। ट्रेक स्टार्ट किए हुए अप्रोक्स 5 मिनट हो चुके हैं, और आप पसीना देख सकते हैं, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, धूप भी बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी बहुत है। इस ट्रेक को करने के लिए फॉरेस्ट विभाग को कुछ शुल्क आपको देने होंगे, वो आपको ऊपर पदरवाड़ी गांव है वहीं पर पे करने हैं। इसी गणेश मंदिर की वजह से इस रास्ते को गणेश घाट नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश की मूर्ति देखने के बाद आपकी नजर इस मूर्ति पर ही टिकी रहेगी, ऐसी विलोभनीय मूर्ति इस मंदिर में है। मूर्ति के सामने ही गणेश भगवान के वाहन मूषक जी हाथ में मोदक लिए खड़े हैं। ये ट्रेक 3 स्टेप में है, यानी इस ट्रेक में 3 खड़े पहाड़ है। पहला और दूसरा स्टेप नॉर्मल है, पर तीसरा स्टेप जो पदरवाड़ी से है वो बहुत ही कठिन है। किसी किसी जगह रास्ता काफी दूर से होकर आता है, इसीलिए ऐसे शॉर्टकट्स बनाए गए हैं। इन शॉर्टकट रास्तों की वजह से आपके ट्रेक का टाइम बच सकता है। ट्रेक के दौरान सिर्फ धीरज काफी फुर्तीला दिखाई दे रहा था। आप देख सकते हैं, धीरज लोकल कोली सॉन्ग्स पर रास्ते में डांस कर रहा है। ट्रेक का रास्ता पहाड़ से होते हुए गुजरता है और काफी खड़ा रास्ता है, इसलिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत लगती है। बारिश के मौसम में जंगल में सभी जगह पानी मिल सकता है, पर मानसून के बाद ये चित्र कुछ अलग हो सकता है, इसीलिए ट्रेक के दरमियान अपनी जरूरत के हिसाब से पानी साथ रखिए।
पहला पड़ाव पार करने के बाद सामने एक पहाड़ दिखाई दिया, जिसे देखकर कलावंतीन फोर्ट की याद ताज़ा हो गई। अगर आपने हमारा कलावंतीन फोर्ट का व्लॉग देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पर उसकी लिंक आ रही है, उस पर क्लिक करके आप वो व्लॉग देख सकते हैं। सीढ़ी घाट वाला रास्ता इसी पहाड़ पर सीढ़ियाँ लगाकर बनाया गया है। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा वक्त बचाता है, पर उस रास्ते से रिस्क भी उतनी ज़्यादा है। अभी पीछे जो स्पॉट है वहाँ पर हम रुके थे, वहाँ पर मुरबाड़ से कुछ लड़के आए हैं। उनको हमने पूछा और कितना टाइम लगेगा हमें जाने के लिए, तो उनको कहना है और मैक्सिमम आपको 2.5 घंटा लगेगा। पदरवाड़ी है ऊपर, वहाँ पर जाने के बाद एक सीधा चढ़ाई है, वो चढ़ने के बाद हम भीमाशंकर पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल लगभग 1 घंटा स्ट्रेट रास्ता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी रास्ता काटने का, क्योंकि शाम होने को भी है और हम लोगों को 7 बजे से पहले भीमाशंकर पहुंचना भी है। रास्ते में पदरगढ़ फोर्ट का बोर्ड दिखाई दिया और उसी बोर्ड के बाजू में एक पानी का कुआं भी है। शायद इस कुएं में साल भर पानी रहता होगा। ड्रोन की मदद से पदरगढ़ के काफी अच्छे अच्छे एरियल व्यूज हमारे हाथ लगे। अगर बारिश के मौसम में बारिश ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से गुजरना मुझको लगता नहीं पॉसिबल होगा। अभी पानी नहीं है इसलिए हमको रास्ता क्लियर है, लेकिन ये जो पैच है ये बारिश के मौसम में बहुत पानी का बहाव ज़्यादा होगा। पहाड़ से ऊपर से पानी आ रहा है और नीचे देखिए पूरा खाई है एकदम। रास्ते में स्थानीय लोगों के जानवर यानी गाय और बैलों ने रास्ता लगभग 200 मीटर रोक रखा था, इसीलिए पहाड़ के कोने का सहारा लेकर हमें रास्ता बनाना पड़ा। अक्टूबर हीट के कारण शरीर काफी ज्यादा थक गया था और शरीर ज्यादा गर्म होने के कारण पसीने काफी छूट रहे थे। रास्ते में कहीं कहीं जगह स्थानीय लोगों ने बनाए स्टॉल्स दिखाई देंगे, वहां रुककर आप आराम कर सकते हैं और पेट पूजा कर सकते हैं। सीढ़ी घाट से आने वाला रास्ता पदरवाड़ी से कुछ दूर पहले आकर इसी रास्ते को मिलता है। अगर आपको ट्रेक के दरमियान कुछ तकलीफ है तो आप पदरवाड़ी में स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए पर पर्सन चार्जेस है 500 रुपये, जिसमें रहना और खाना दोनों इंक्लूड है। इसी चेक पोस्ट पर आपको वन विभाग के शुल्क पे करके आगे बढ़ना होगा। वीडियो पॉज करके आप ट्रेक को लगने वाले व्यक्तिगत और कैमरा के चार्जेस देख सकते हैं। अभी हम लोग निकले हैं पदरवाड़ी से आगे और यहाँ से जो गार्ड थे फॉरेस्ट की तरफ से, उनका कहना है अप्रॉक्स अगर हम रुक रुक के भी जाएंगे तो 1.5 घंटा लगेगा और एक कांस्टेंट स्पीड में रहेंगे तो हम लोगों को 1 घंटे में हम लोग भीमाशंकर मंदिर के परिसर में होंगे। तो देखते हैं हम लोगों को कितना घंटा लगेगा पहुँचने के लिए। अभी बजे है 5:30। पदरवाड़ी से भीमाशंकर मंदिर परिसर की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है। सूर्यास्त होने को था और हम इस पल को मिस नहीं करना चाहते थे। इस ट्रेक के दरमियान हमें महाराष्ट्र राज्य का राज्य प्राणी शेकरू के दर्शन हुए। शेकरू ऑरेंज रंग में सिर्फ इसी जंगल में पाया जाता है। पहाड़ के बीच में एक फूलों से भरा एरिया था, वहीं जाकर हम लोगों ने सूर्यास्त का आनंद लिया। इस ट्रेक के दौरान कई कई जगह सिर्फ जियो के सिम को नेटवर्क मिलता है।
इस एरियल वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं इस पहाड़ की चढ़ाई एकदम खड़ी है। अगर आप भीमाशंकर आ रहे हैं तो आपको हनुमान झील, गुप्त भीमाशंकर, भीमा नदी का उगम स्थान, नागफनी, बॉम्बे पॉइंट ऐसे पर्यटन स्थल देखने मिल सकते हैं। लगभग 6:30 हो गए हैं और अभी 1.5 किलोमीटर का ट्रेक और बाकी है। लगभग 7:45 बज गए हैं और हम लोग हैं अभी भीमाशंकर प्रीमाइसेस में। अभी आपको मैं पहले व्यू दिखाता हूँ। बहुत ही हार्ड ट्रैक था जो हम लोगों ने ड्रोन शॉट देखे पारवाड़ी के यहाँ से, जो आपको जहाँ से टिकट निकालना पड़ता है वहाँ से भीमाशंकर तक पूरा स्ट्रेट चढ़ाई है पहाड़ का और एकदम स्ट्रेट है, पूरी जान निकाल देता है। तो अभी हम लोग देखते हैं पहले प्रीमाइसेस और उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे होटल और बाद में थोड़ा रेस्ट करेंगे या फिर आरती अगर है 7:30 की मिल रही है तो आरती देखेंगे। जैसे ही आप भीमाशंकर पहाड़ पर पहुंचते हैं आपको हर जगह वन विभाग के क्वार्टर्स और गेस्ट हाउस देखने मिलेंगे। मंदिर जाने के लिए लगभग 500 मीटर फिर नीचे उतरना पड़ता है। मंदिर पहाड़ के एक ढलान पर स्थित है। बॉडी में एक पॉजिटिव वाइब्स है, अभी ऐसे ऊर्जा का संचार हुआ है, ऐसा लग रहा है इतना चले हैं आखिरकार मंदिर में है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा था बीच में ही ट्रैक छोड़ दे क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, पैर मतलब घुटना दर्द कर रहा था बहुत ज़्यादा इसलिए। और मैं धीरज को थैंक यू कहना चाहूँगा, धीरज ने जो ये ट्रैक के बीच में से मेरी जो बैग है वो अपने साथ ले ली थी और वो 2 बैग पैक के साथ चल रहा था यहाँ तक। ऊपर आने के बाद ही उसने मुझे मेरी बैग मेरे पास वापस दे दी। मंदिर में हर रोज शाम को 7:30 बजे आरती होती है। अगर आप महाशिवरात्रि और श्रावणी सोमवार को यहाँ आ रहे हैं तो मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ होती है। आरती के अंत में शंखनाद और डमरू के आवाज ने शरीर पर रोंगटे खड़े कर दिए। मंदिर के बिल्कुल सामने भगवान शनि की मूर्ति है। ट्रेक के दरमियान इतनी भूख लगी थी कि प्रणीत, सूरज और धीरज जमीन पर बैठकर ही भुट्टे का स्वाद ले रहे थे। दोस्तों हम लोगों ने जब रूम सर्च किया था यहाँ पर तो बहुत ही महंगा हो रहा था, तो मंदिर के प्रीमाइसेस में पास ही में मंदिर से लगभग 100 मीटर दूरी पर, 100 मीटर भी नहीं होगा 50 मीटर दूरी पर ही होगा, एक 4 लोगों के लिए हमको एक छोटा सा रूम मिला है तो 1000 रुपए में रूम मिला है। ये जो डिस्प्ले पे नंबर मेंशन किया है मैंने, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके रूम बुक कर सकते हैं। मतलब फैमिली के लिए तो नहीं है लेकिन अगर आप बॉयज आ रहे हैं तो अच्छा रूम है 3-4 लोगों के लिए। 1000 रुपए में तो मुझको लगता है बहुत ही चीप मिला, वो भी मंदिर के पास में। वैसे सुबह 4 बजे हम लोग निकलने वाले हैं आरती के लिए और 5:15 बजे आरती होती है, उसमें शिवजी जो है, शिवजी के ऊपर जो चांदी लगाई गई है वो पूरी निकाल देते हैं तो उसमें रहते हैं, पूरा शिवलिंग दिखाई देता है ब्लैक कलर का, तो वो आरती अटेंड करेंगे तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमाशंकर। जिसे आप अभी तक का ब्लॉग देखते आए हैं तो आज है अभी हम लोग भीमाशंकर में और भीमाशंकर में सुबह 5:15 बजे भगवान शिव की आरती होती है, तो वही आरती देखने के लिए अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। अभी बजे हैं लगभग 4:45, आधा घंटा है और हमारे पास, और हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि मंदिर प्रीमाइसेस में ही एक रूम लिया था, लगभग 5-100 मीटर दूर है, और हम लोगों को कल बताया गया था अगर आप आ रहे हैं यहाँ पर तो आप शिवलिंग पे पानी चढ़ा सकते हैं, तो हम लोग साथ में पानी लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप भी 5:15 की आरती अटेंड कर सकते हैं। अभी जाते हैं हम लोग आरती के लिए। पुणे से 110 किलोमीटर सह्याद्री पर्वतमाला में मौजूद भीमाशंकर मंदिर भीमा नदी के किनारे स्थित है। भीमाशंकर मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और इसी जगह भीमा नदी का उगम स्थान भी है।
यही भीमा नदी आगे जाकर महाराष्ट्र के पंढरपुर में चंद्रभागा नाम से जानी जाती है और भीमा नदी कर्नाटक के रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जाकर मिलती है। सुबह की आरती में आप पानी साथ ले जाकर शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर सकते हैं। शायद बारिश के कारण पूरे मंदिर को तिरपाल से ढक दिया गया है। अभी हम देखते हैं शिवलिंग और मंदिर के निर्माण की कथा। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिवपुराण में लंका के राजा रावण का भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचारों और उसके संहार की एक कथा प्रचलित है। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता के मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी ने पिता के वध के बारे में बताया। बदले की भावना में भीमा जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण किया। उसे पता था कि प्रभु राम से युद्ध करके जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी असुरी शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अंततः देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव ने देवताओं को भीमा के अत्याचार से मुक्त करने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। भगवान शंकर ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शंकर से उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को असुर भीमा और भगवान शंकर के नाम से, यानी भीमा शंकर नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है, इस मंदिर में शिवलिंग दूसरे शिवलिंगों से मोटा होने के कारण मोटेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, ये था भीमा शंकर का ब्लॉग। अभी हम लोग रिटर्न जर्नी में हैं, तो सोचा व्यू भी अच्छे अच्छे मिलेंगे उतरते समय मॉर्निंग में, तो व्लॉग यहीं पर एंड करने वाला हूँ। मैंने आपको बताया भीमा शंकर कैसे आना है। एक तो आप पुणे से आ सकते हैं, पुणे से बहुत ही पास में है, और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अगर आपको आना है तो नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मुंबई के पास में, और वहां से खांडस विलेज है, वहां से एक 7 या 8 किलोमीटर का ट्रैक है। हम लोगों को लगभग 3.5 घंटे लगे, उसमें से हम लोगों ने 3 या 4 स्टॉप्स लिए बीच में बैठने के लिए, और 2-3 बार ड्रोन उड़ाया, इसलिए आधा घंटा अप्रॉक्स हमारा ज्यादा गया है। लेकिन 3 घंटे का जर्नी है, मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, ये जो 3 घंटे का ट्रैकिंग है। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग आपको कैसे लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।